बैठ जाओ मैं, बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बैठाता हूं उनको भी, आप तो बैठो, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। अच्छा जी, एक मिनट खामोशी खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के तमाम कैंडिडेट्स को खैर मकदम करता हूं यहां पे, और मुझे पता है कि दो दो तीन तीन दफा इलेक्शन डिले हो गया क्योंकि ये डर के भाग रहे थे, लेकिन आप बहादुरी से खड़े हुए। इंशाल्लाह 23 अक्टूबर को जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इमरान खान का वोटर भर के निकलेगा, और इंशाल्लाह 23 तारीख को कराची में मेयर पीटीआई का आएगा। अच्छा आप सुन लो, ये क्यों आएगा? क्योंकि मजबूर कौमी मूवमेंट का तो हाल खराब है, वो मजबूर हो गए, हर रोज उनको फोन कॉल आती है, वो मजबूर हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है, और खाली एक पाकिस्तान में एक लीडर रह गया जिसका नाम इमरान खान, एक जमात रह गई जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ खान साहब को दावत देने से पहले, अगर आप चाहते हैं कैंडिडेट पीछे बैठे ये एक्स्ट्रा से, इसलिए इनको बिठा रहा हूं। कैंडिडेट हमारे बड़े तरीके से सुकून से डिसिप्लिन से बैठे हैं, बैठ जाओ प्लीज। शाबाश शाबाश कैंडिडेट्स। देखें ये सारे एमपी और एमपी अब मैं दावत देता हूं, आज फैसल में आपका काम करने लगा हूं। मैं दावत देता हूं पाकिस्तान के उस शख्स को जिसने सारी जिंदगी जो काम भी किया पाकिस्तान का नाम ऊपर किया। दुनिया में लोग एक बड़ा काम करते हैं, इमरान खान सारी जिंदगी जो काम करता है बड़ा काम हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप गौर से उनकी बात सुने, और इंशाल्लाह 23 तारीख को रात को हम जश्न मनाएंगे इलेक्शन जीतने का। खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप प्लीज सामने आराम से बैठ जाए, आराम से, कोई बैठ के भी कैमरा चला